सो लेट अस डेट है आज का 12th of September 2022। जस्ट अभी मार्केट खत्म हुआ है, आज के दिन पे हमने बुक किया हुआ है 3,27,000 के आसपास। ये मैं ऑर्डर बुक पे भी जाके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड पोजीशन बुक पे जाके एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। आज का एक्सप्लेनेशन समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये एक क्लिप देखिए। ये एक क्लिप लाइक एक वीडियो मैंने सैटरडे के दिन पे ट्रेडर्स कम्युनिटी वालों के साथ मैंने शेयर किया हुआ था कि क्या हम लोग नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं, स्पेशली मंडे के दिन पे हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले वो देखिए, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि मैंने किस हिसाब से आज के दिन पे ट्रेड लिया हुआ है। अब आते हैं इससे हम लोग थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो क्या कि हम लोग फिर प्लान कर सके कि हमको अभी मंडे से कैसे ट्रेड वगैरह करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 18,000। 18,000 क्या होता है, 18,000 होता है हमारा राउंड नंबर। ओके, यहाँ ट्राई किया निफ्टी ने, फेल हो गया, यहाँ ट्राई किया नहीं जा पाया। नेक्स्ट डे पे लगभग 17,000, देखिए यहाँ पर हाई दिख रहा होगा आपको, 17,992.20 का हाई लगाने के बाद एक सेलिंग आया और मार्केट नीचे की तरफ गया। अब इस कैंडल को देखो और इस कैंडल को देखो, कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है। देखने वाला, प्लान करने वाला क्या प्लान करेगा कि बॉस 18,000 राउंड नंबर है, मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बना के जब क्लोज हुआ था तो नेक्स्ट डे पे गैप डाउन खुला था और मार्केट ने फॉल किया था। क्या लगता है आपको, यहाँ पर सेम थिंकिंग नहीं आई होगी उसी ट्रेडर की? एब्सोल्युटली येस, काफ़ी लोगों ने प्लान किया होगा, शायद आप में से भी कुछ लोग पुट बाय यहाँ पर करते गए होंगे। करंटली हम लोग SGX निफ्टी, सिंगापुर वाले निफ्टी देखते हैं तो लगभग वो 28-29 पॉइंट प्लस बंद हुआ है, नेगेटिव नहीं, नीचे की तरफ नहीं गया। सो फार कोई न्यूज़ नेगेटिव नहीं आई हुई है, तो मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो कल का क्लोजिंग हुआ फ्राइडे का, मंडे के दिन पे फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव ओपन हो सकता है। खुलते ही ट्रेड करना है? नहीं, वेट किस चीज़ का करना है, वेट करना है इस कैंडल के हाई के ऊपर का। इस कैंडल का हाई क्या है, इस कैंडल का हाई है 17,925। हम वेट करेंगे जैसे ही 17,930 को क्रॉस करता है, 30 से 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम यहाँ पर प्लान करेंगे। टारगेट क्या होगा हमारा, फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पर आज आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग अटैक कर सकते हैं रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को। क्या स्टॉप लॉस लगा के गए होंगे कि जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा यहाँ पर, एक तो यहाँ स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई जहाँ पर हम एंट्री लेंगे, दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टॉप लॉस होगा 18,000 का, करेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 930 के ऊपर बाय करेंगे, 18,000 के आसपास का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा कि हमने डिस्कस किया हुआ था सैटरडे को, डिस्कस कर लिया था जिस हिसाब से मार्केट दिख रहा है एंड विथ एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिटी। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं हम लोगों ने यूज किया हुआ है, बहुत ही बेसिक चीज है ट्रेडर्स वो, बट सही टाइम पे उसको यूज़ करना, उसमें से पैसा लाइक कमाना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि 930 के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ था कि हमको बाय करना है, 930 कहाँ पर क्रॉस किया, देखिए ये ब्रेकआउट आने के बाद इस लेवल्स के आसपास क्रॉस किया हुआ है, लगभग 938 के आसपास वहीं पर हमने ब्रेकआउट के बाद ही, मैंने जस्ट अभी यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है, लगभग 938.08 के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ट्रेड लिया हुआ है। क्यों लिया, वैसे जनरली ट्रेंड वगैरह कंफर्म होता है, थोड़ा ऊपर जाता है वगैरह, देखिए ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी तय थी कि 930 को क्रॉस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, उसके पीछे का रीजन भी आप समझ चुके हो। साथ में मैंने यहाँ पर देखो बॉटम से लेकर टॉप तक फिबोनाची लगा के देखा, अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, गैप अप खुला हुआ है, फर्स्ट डिप 23.6% पे सस्टेन कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी मच हाई कि वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अब आपका बेसिक सवाल ये होगा कि वीडियो में तो हमने ये सुना कि टारगेट है 18,000 के आसपास का, बट मैं यहां पर क्यों निकला, सिंपल है ट्रेडर्स, 1:2 में फॉलो कर रहा हूं, प्लस उसके साथ एक लॉजिकल चीज आपको सोचनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझना, काफी काम आने वाली चीज है ये। पॉइंट नंबर वन, मार्केट आज क्या किया है, गैप अप खुला हुआ है। पॉइंट नंबर टू, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने खुलते ही ब्रेकआउट देते हुए एक अच्छी रैली की हुई है, लगभग यहाँ पर हम लोग 50-60 पॉइंट की रैली की बात कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी ने दिया हुआ है, बैंक निफ्टी नहीं है, यहाँ खुलते 100-150-200 पॉइंट तो इजिली मोमेंटम दे देगा, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी।
तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉस एक रिवर्सल या एक डिप आ सकता है, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब उसके साथ साथ कॉन्टेक्स्ट में ये भी समझो, कॉन्ट्रास्ट में चीज क्या हो रही है कि जितनी मैंने रिस्क ली थी 15 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट में मुझे रिवॉर्ड भी दिख रहा है। अब आपने वीडियो में ये सुना कि 30 से 35 पॉइंट का आपको रिस्क लेना है। 30 से 35 पॉइंट में किस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं? स्पॉट के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं स्पॉट पे 30 से 35 पॉइंट का रिस्क लेता हूं तो ऑप्शन में कितने पॉइंट का रिस्क हुआ? 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, मैक्सिमम 15 पॉइंट। स्पेशली निफ्टी की अगर हम बात करें तो 15 पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगर मैं स्पॉट पे 30 पॉइंट्स की, मैं अगर स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, 15 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूं, 1:2 मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों लालच करूं, क्यों वेट करूं कि हाँ 18,000 जाएगा 18,000। जब लालच करने का टाइम होता है, जब ज्यादा पैसा कमाने का टाइम होता है, तो वो टाइम पे करता हूं। अब यहां पर क्लियरली फैक्टर मुझे दिख रहा है कि गैप अप खुला है, मार्केट ब्रेकआउट देते हुए गैप अप खुलने के बाद कंटिन्यू उसने मोमेंटम किया हुआ है, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि बॉस वो डिप लगाएगा ही लगाएगा। अब डिप लगाता है, हो सकता है फिर ज्यादा डिप लग जाए, मेरा जो कमाया हुआ पैसा वो तो जा ही जाए, साथ में मेरा जो ट्रेल स्टॉप लॉस या जो स्टॉप लॉस मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ वो भी हिट कर देगा। अगर इन केस ऐसा होता कि कहीं मैं ये लेवल्स के ऊपर या ये लेवल्स के आसपास होता, तो 1:2 और मेरा जो एक्चुअल टारगेट है 18,000 वाला, वो साथ में अचीव हो जाता। बट मुझे एक अच्छे लेवल्स पे मिला है जहां पर मुझे पहले ही 1:2 मिल रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है कि मैं और वेट करूं। अब आज के दिन पे पूरा अगर आप दिन देखते हो तो क्लोजिंग भी लगभग देखिए 9:31 के आसपास हुआ है। अपना पूरे दिन में आज जितना भी मोमेंटम था मार्केट में, हम लोगों को यहां पर कुछ भी नीचे की तरफ नहीं जाते हुए दिखा है, 9:30 के ऊपर ही सस्टेन किया, थोड़ा टाइम ही गया था, थोड़ा बहुत नीचे आया है, लास्ट में क्लोजिंग में 9:30। मैं अभी भी स्टिल कल के लिए भी ये चीज कहूंगा, ये चीज एप्लीकेबल है, कल अगर थोड़ा बहुत फ्लैट खुलता है तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड दे सकता है। लगभग 18,000 का एटलीस्ट एक दिन का मैं क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और इसी हफ्ते के अंदर हो सकता है अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो अगर गैप डाउन खुल गया तो हो सकता है कि ये ऊपर का 18,000 में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ चुका है, बड़े ट्रेडर्स ने सेल किया हुआ आज के दिन पे, गैप डाउन खुलेगा तो यहां पर एक पैनिक आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होगी तो ही आपको एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 10-20 पॉइंट ऊपर भी खुलता है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एटलीस्ट वो 18,000 पे जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं वो हिट करने से पहले वो नीचे नहीं आने वाला है, अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।